वेलकम स्टूडेंट्स, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। दसवीं क्लास का भी परिणाम आ चुका है और बारहवीं का भी आ चुका है, लेकिन दसवीं क्लास का समय सीमा 5 बजे का रखा गया है। मार्च 2022 की ये जो रिजल्ट आया है उसमें जो दसवीं के विद्यार्थी हैं उनके रिजल्ट जो है 73.18% रहा है, लेकिन बारहवीं का अगर देखें तो 92.96% रहा है। इस परीक्षा परिणाम की घोषणा बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह एवं बोर्ड सचिव श्री कृष्ण कुमार ने की है। आज यहां बोर्ड मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 76.26% कामयाब छात्राओं की तुलना में 70.56% ही छात्र सफलता प्राप्त कर सके हैं। इस प्रकार छात्रों से 5.70% ज़्यादा पास प्रतिशतता दर्ज कर बढ़त हासिल की है। कहने का तात्पर्य ये है कि लड़कियों का रिजल्ट जो है वो 5.70% ज़्यादा रहा है लड़कों से। बोर्ड अध्यक्ष ने सभी छात्र छात्राओं को उनके बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने आगे बताया कि इस परीक्षा के में प्रथम स्थान पर आसिमा ईश्वरलाल पब्लिक स्कूल से है, भिवानी से है, जिन्होंने 499 अंक अर्जित करके ये सुनहरा अच्छा रिजल्ट पाया है। सुनैना प्रज्ञा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भांडवा चरखी दादरी से है, खुशी गीता विद्या मंदिर हाई स्कूल उचाना मंडी जींद व मंजू सैनिक पब्लिक स्कूल हाई शिशमोर कैथल, इन तीन विद्यार्थियों ने 497 अंक अर्जित किए हैं। द्वितीय स्थान हासिल करके इन तीन विद्यार्थियों ने 497 अंक हासिल किए हैं। तृतीय स्थान की अगर बात करें तो सुहानी लखीराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल जो हलालपुर में है, सोनीपत रीना DCS सीनियर सेकेंडरी स्कूल से है जो बीटमड़ा के अंदर है यानी हिसार के अंदर पड़ता है। उसके बाद है लवकुश बाबा उदल देव पब्लिक स्कूल से है, बच्चा जो हिसार में ही है, हिमांशी कैप्टन RC सीनियर सेकेंडरी स्कूल से है जिन्होंने 496 अंक अर्जित कर अगली पोजीशन पाई है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम आज सायं 5 बजे तक वेबसाइट www.bses.org.in पर देख सकते हैं। अगर हम देखें कि कितने बच्चों ने ये एग्जाम दिए हैं तो सेकेंडरी का एग्ज़ाम यानी दसवीं क्लास के एग्ज़ाम 326,487 बच्चों ने दिए हैं, जिनमें से 238,932 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और 19,679 परीक्षार्थी जो है उनकी कंपार्टमेंट आई है। सभी बच्चों को 4 मौके मिलेंगे अपने आप को सही और अच्छा साबित करने के लिए। उम्मीद करता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा आया है। अगर अच्छा नहीं आया है तो भी आप सोच लेना कि ये कोई दर्द की कहानी नहीं है, इसे हम अच्छी कहानी बना सकते हैं मेहनत करके। मेहनत करना फल आपको जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।